भाई दिन तो फिटनेस से स्टार्ट होता है, तो पहला पार्ट तो फिटनेस ही है अपना। अभी बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। पहले रनिंग करूँगा, उसके बाद स्किपिंग करूँगा और होप्स हो कि फिर दोबारा साइकिलिंग में करूँगा। मैं दोबारा क्या मतलब साइकिलिंग में करूँगा शायद, तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो पहले रनिंग कर लूँ, फिर मिलते हैं। तो अभी बताता हूँ यार, हम एकदम से गाड़ी में कैसे आ गए। अभी हम एकदम से गाड़ी में इसलिए आए हैं क्योंकि यार कल जिन्होंने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा था कि यार हम गए थे सुबह गेहूँ पिसवाने के लिए, बट यार जो गेहूँ थे उन्होंने फिर मुझसे बाद में बोल दिया था कि भैया ये बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं तो कल ले जाना। तो यार अभी मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि अब मेरे को जाना पड़ेगा ओल्ड मार्केट फिर से, और हो सकता है कि यार अभी भी वो बोल दें कि यार अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरा इंसिडेंट ऐसा कुछ था कि भाई मैंने जो था ना क्या बोलते हैं जो गेहूँ थे, मैंने वो गेहूँ उसको दिए थे क्या बोलते हैं 24 kg 700 grams। तो भाई ये लगा लो बंदे ने क्या किया, मैं पहले दिन गया तो बंदा बोलता अपना भाई अपना जो आटा है वो ले जा। अगले दिन गया फिर कहता है कि आपका जो वो ले है वो ले जाओ। मैं तीसरे दिन गया, मेरे को उस दिन समझ में आया कि वो मेरे को 3 दिन से कंटिन्यूसली क्यों कह रहा है कि भाई अपना गेहूँ ले जा, आटा ले जा, क्योंकि उसने उस 24 kg 700 gram का 15 kg 700 gram कर दिया था। अब लगा लो यार मतलब कि कितना उसने वो किया था, मतलब यार हद होती है भाई। मैं तो इतना गुस्सा हो गया था उस वक्त, तो पापा ने बोला कि भाई छोड़ यार, फिलहाल तो मैंने दूसरी जगह पे गेहूँ पिसने के लिए दे रखे हैं, तो उस जगह चलते हैं, मिलते हैं उसी दुकान पे। तो सी यू एट द शॉप। Five minutes later. तो भाई आटा मिल गया, कोई घोटाला नहीं किया, तो अभी मिलते हैं सीधा घर पे। सो भाई पहुंच गए घर, उतारते हैं इस कट्टे को और चलते हैं आगे। A few moments later. तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हिमांशु से बात हुई थी, हिमांशु कह रहा है वो पार्क में आ रहा है, तो उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। तो मिलते हैं सीधा पार्क में। और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ ये पानी हमेशा निकलता रहता है, मुझे पता नहीं ये पानी बंद क्यों नहीं होता, ये पानी वेस्ट ही होता रहता है। तो यार अभी आंधी आ गई फिलहाल, तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर चले जाएं या फिर अभी फिलहाल कहाँ जाएं। ये तो कंफर्म है घर तो हम जाएंगे नहीं अभी, ये तो कंफर्म है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि यार अभी फ़िलहाल क्या लॉकडाउन लगा हुआ है तो करने के लिए कुछ है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं भी करने के लिए, तो मैं बताऊँगा थोड़ी बहुत देर बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी कुछ इस टाइप का मौसम हो रहा है। तो अभी जस्ट मेरी विनय भैया से बात हुई है, जिनके बारे में मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि उनके पास में डॉग है जिसका नाम शेडो है, जो कि पाकिस्तानी बुली है। तो अभी थोड़ी देर में जब विनय भैया आते हैं तब मैं दोबारा कैमरा ऑन करूँगा, तो दिखाऊँगा आपको वो शेडो। और यार शेडो से मिले हुए वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। मेरे को असल में क्या था कि 3rd of May को मुझे कोविड हो गया था, तो जैसे ही मुझे कोविड हुआ था उसके बाद से शेडो से मिले ही नहीं, विनय भैया से भी नहीं मिले हम। मीनवाइल तो वो यार सामने विनय भैया आ चुके हैं, अभी कोई मतलब शेडो से मिल रहा है,
अभी थोड़ी देर में भैया ऊपर आ जाएंगे तो मैं मिलवाता हूँ शैडो से। शैडो आ जा भैया, आ गया शैडो। शैडो 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 शैडो। तो यार ये वही डॉग है जिसके बारे में मैं अपनी पिछले वीडियो में बात कर रहा था, शैडो द पाकिस्तानी बुली। देख सकते हो मतलब यार किस टाइप का डॉग है यार ये। और ये विनय भैया, कैसे हो विनय भैया? बढ़िया, फिट एंड फाइन। तो यार भैया से भी बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो भैया? बढ़िया। और ये ना शैडो, तो मैं इसी डॉग के बारे में पिछली वीडियो में बात कर रहा था। अभी चल, अभी भाई क्या बताऊँ यार, ये डॉग इतना बेहतरीन है ना, अब मानोगे नहीं इस चीज़ को। और भी अंदर पानी नहीं भरा हुआ, अगर अंदर पानी भरा हुआ होता ना तो ये स्विमिंग भी कर लेता है। भाई अगर इसकी जंप देखोगे ना आप, अब इसकी जंप देखना, देखो भाई ये जंप इतनी तगड़ी लेता है ना, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही तगड़ी जंप लेता है। क्या है कि मेरे घर के पास में क्लब है, वहाँ ना बहुत सारी मतलब ना बाउंड्रीज बनी हुई है पार्क की, तो ये उसके ऊपर से बहुत आसानी से कूद जाता है। अभी यहाँ है कार्तिक भैया, थोड़ी देर पहले मेरी कार्तिक भैया से बात हुई थी। अरे कैम इसमें हाय करो, जनता को हाय करो। हेलो, भाई ये वाला पेड़ काफी सुंदर लग रहा है। चाहते हो कि मैं शैडो के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना यार, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।